दोस्तों रॉकेटरी फिल्म आ रही है 1 जुलाई 2022 को, ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलीज हो रही है। आर माधवन इसके निर्माता भी है, निर्देशक भी हैं और अभिनय भी किया है। बहुत ही प्रतिभाशाली मोस्ट अंडररेटेड एक्टर इन द बॉलीवुड रहे हैं। वैसे साउथ में तो इनका काफ़ी नाम है। इनकी चर्चित फिल्में विक्रम वेदा वगैरह हैं, बहुत अच्छी फिल्म थी, हिंदी में इतने कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों ये बॉलीवुड की वेब फिल्म है जो रिलीज हो रही है पैन इंडिया लेवल पर। इसमें 1 साल पहले इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था। ये इकलौती फिल्म है जिसका ट्रेलर 1 साल पहले रिलीज कर दिया था और जिसको देखा गया है लगभग 12 मिलियन लोगों द्वारा और इसे लाइक किया गया है 5,53,000 लोगों द्वारा जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये ट्रेलर 2 मिनट 46 सेकंड का है। ट्राई कलर इंडिया फिल्म्स इंडिया साइट पे रिलीज किया गया था 1 साल पहले। 1 साल में इस ट्रेलर का रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा निराशाजनक और चिंतनीय है। इसी के बारे में आज फिल्म के बारे में चर्चा करेंगे, तमाम ट्रेलर का रिव्यू करेंगे। एक ट्रेलर 4 दिन पहले रिलीज हुआ उसका भी रिव्यू करते हैं, बाकी तमाम जानकारी देने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने की चेष्टा करें, थैंक यू। तो मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल, फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्रस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों 4 दिन पहले वायर अपने इसका एक ट्रेलर रिलीज करा है जो पिछले ट्रेलर का ही कटिंग है, छोटा रूप है, बड़ा बदला लगा ये। इन्होंने मेहनत नहीं करी दोबारा ट्रेलर रिलीज करने में और इन्होंने वो बेडंगा सा ट्रेलर ही दोबारा रिलीज कर दिया। पहले वाले ट्रेलर भी बहुत अच्छा नहीं था, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, कनेक्ट नहीं कर पाया था दर्शकों को। विषय भी बहुत नीरस है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनी फिल्में ज़्यादातर इंडिया में नहीं चलती है। इंडिया एक अलग कंट्री है, यहाँ के देश के निवासियों को मसाला चाहिए, डांस चाहिए, ठुमका चाहिए, आइटम चाहिए, बड़े बड़े भारी डायलॉग चाहिए। उसी 2.5 मिनट के ट्रेलर को 1 मिनट 7 सेकंड का बना के दोबारा रिलीज कर दिया है, काट छाट करके एडिट करके सेम। वायर अप से ये निराशाजनक उम्मीद नहीं थी। इसका भी व्यूज जो है 3.6 मिलियन व्यूज़ हैं और लाइक किया है 1,88,000 लोगों ने, जो कि कोई खास नहीं है रिस्पॉन्स इसका। वायर अप बैनर को देखते हुए आर माधवन जैसे एक प्रतिभाशाली कलाकार निर्माता निर्देशक को देखते हुए रिस्पॉन्स बहुत गलत है। विषय बहुत ऊंचा है लेकिन वह दर्शकों के सबसे ऊपर से गुजर रहा है ट्रेलर के माध्यम से। दोस्तों जहां तक ट्रेलर की बात है, गुणवत्ता ऊंची दिखाई है, बीजीएम अच्छा है, अभिनय पक्ष बहुत ऊंचा है, मजबूत है, सभी कलाकार सहज लग रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़िया लग रहा है। किंतु फिल्म का टॉपिक जो है एक देशभक्त देशद्रोही करार दिए गए एक वैज्ञानिक नामी पे आधारित है जिसके बायोग्राफिकल ड्रामा है जिसका रोल आर माधवन जी प्ले कर रहे हैं। बाकी इनके साथ क्या क्या होता है और कितनी लंबी लड़ाई लड़के देशद्रोही का कलंक अपने माथे से धोते हैं, इसी की पूरी कहानी है। दर्शकों को पहले से ही पता है इसका अंत क्या होगा, इसलिए उनमें उत्सुकता तो नहीं है। ट्रेलर में भी काफ़ी कुछ दिखा दिया है। बाकी हमारे देश में तो फोर्ता के नाम पर मिशेल मंगल जैसी फिल्में ब्लॉकबस्टर हो सकती हैं, अक्षय कुमार जैसी। बाकी नीरस विषय है और लॉजिकल विषय यहाँ पे बहुत कम चल पाते हैं, इसके बहुत उदाहरण मिल जाएंगे आपको। ज़्यादातर बायोग्राफिकल ड्रामा कोई सनसनी खेज हो या किसी में मसाला हो तो चलता है। ट्रेलर अपने आप में ठीक है, कोई बुरा नहीं है, मगर ये दर्शकों को कनेक्ट करने में ये असफल रहा है बहुत बुरी तरह से। 1 साल पहले ट्रेलर रिलीज करने के बाद इस फिल्म को रिलीज करने की हिम्मत इसलिए नहीं हो पाई, कई बार डेट पोस्टपोन की गई क्योंकि ट्रेलर का रिस्पॉन्स ही बहुत ठंडा था। अब वायर एफ इंटरनेशनल ने अपनी यूट्यूब की ऑफिशियल साइट पर यह ट्रेलर डाला है तो उन्होंने भी मेहनत नहीं करी है, नया ट्रेलर नहीं बनाया, उन्होंने उसी पुराने ट्रेलर को काट छाट करके छोटा बनाकर दोबारा पेश कर दिया, जो कि बहुत ही असहज चीज़ है और बहुत ही गलत है। ट्रेलर में कुछ भी ऐसा दर्शकों को बांधने लायक था तो मुझे लगता नहीं आम जनता से जो ये फैमिली ड्रामा या आजकल की जनरेशन को अपने साथ कनेक्ट कर पाए। बाकी देखते हैं क्या होता है इस ट्रेलर का रिस्पॉन्स। मैं तो इसको बिजनेस रेटिंग देना चाहूँगा 1.5 की आउट ऑफ 5, जैसा कि मेरा अनुमान है। बाकी अनुमान गलत हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। आर माधवन का मैं बहुत तगड़ा फैन हूँ, केवल इनकी दक्षिण भारतीय फिल्मों के कारण। बाकी हिंदी में तो इनकी कोई खास ऐसी फिल्म है नहीं जिसके बारे में मैं चर्चा करूँ, ज़्यादातर फिल्में बेकार ही है इनकी। बाकी ये काफ़ी टाइम से फिल्मों में भी सक्रिय रहे हैं, उससे पहले ये टेलीविजन में काफ़ी काम किया, अच्छे प्रेजेंटर हैं, अच्छे कलाकार हैं। विक्रम वेदा इनकी मेरे को व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी लगती है फिल्म। बाकी हिंदी डब में कई फिल्में मैंने इनकी देखी है जिनका जिक्र फिर कभी करूँगा। बाकी ट्रेलर का मैंने रिव्यू कर दिया कि ट्रेलर मेरे को गुणवत्ता के हिसाब से ठीक लग रहा है, मगर दर्शकों को जो कोई कनेक्शन चाहिए, जो कनेक्शन होना चाहिए, जो एक संवाद होना चाहिए, वहाँ ये फिल्म थोड़ी मात खा रही है और रॉकेटरी साइंस पे है। संवाद सरल है, समझ में आने वाले हैं। बाकी इसमें डायलॉग तो थोड़े मेरे को दमदार लग रहे हैं कि जब किसी को बर्बाद करना हो तो उसको देशद्रोही का करार दे दो, जिस तरह से कुत्ते को ख़त्म करना हो तो उसको पागल डिक्लेयर कर दो, ये डायलॉग तो मुझे अच्छे लग रहे हैं काफ़ी, लेकिन एक दो ही डायलॉग लगे। बाकी तो इसमें फिल्म एक अंतर्द्वंद की और एक लड़ाई की कहानी है जो नाम भी नारायणन जी पर बेस है कि अपने देशद्रोही होने का कलंक धोने के लिए एक बहुत बड़ी कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं जिनमें अंतिम रूप से उनकी जीत होती है, किंतु उनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी होती है। बाकी इसी की कहानी है, मैं तो फिल्म को जरूर देखूंगा। मैंने ट्रेलर इसका हॉल में देखा था जब मैं जुगजुग देखने गया था नोएडा सेक्टर 18 में, मूवी टाइम में, धर्म पुलिस मॉल में। ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। बाकी दर्शकों से कनेक्ट करने में मैं अभी भी कहूँगा युवा वर्ग से और जो एंटरटेन मसाला वर्ग है उन लोगों को ये अपील नहीं कर पाएगा। ये फिल्म एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी है, बायोग्राफिकल ड्रामा है, जिसको कुछ असामाजिक पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और कुछ तत्वों ने
देशद्रोही का करार दे दिया था। इसकी वजह से उनकी जिंदगी लगभग बहुत सालों तक बर्बाद रही, उसी की कहानी है। आइए अब इस फिल्म की थोड़ी मैं जानकारी देने की कोशिश करता हूँ आपको गागर में सागर स्टाइल में। तो फिल्म का नाम बहुत ही ज़्यादा नीरस है, बहुत ही उबाऊ है, रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट, जिसमें दक्षिण भारतीयता का पुट है और रॉकेट्री शब्द भी बहुत अनजान है। इसका नाम कुछ और होना चाहिए था, जैसे मिशेल मंगल था अक्षय कुमार की फिल्म जो रॉकेट साइंस की बनी थी, बेशक वो फोर्ड फिल्म थी मगर वो ब्लॉकबस्टर हो गई थी, दर्शकों से कनेक्ट कर पाई थी। जैसा कि आपको मालूम ही है, ये एक बायोग्राफिकल एक्शन ड्रामा है और नाम्बी नयानन जैसे एक रॉकेट साइंटिस्ट पर आधारित है, जो कि एरोस्पेस इंजीनियर थे इसरो में, भारत का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिनको कि देशद्रोही और जासूसी के आरोप में, झूठे आरोप में पकड़ लिया गया था। इस फिल्म का निर्माण, लेखन व डायरेक्शन और अभिनय आर माधवन जी ने किया, जो कि बहुत प्रतिभाशाली एक कलाकार हैं, जिन्होंने फिल्म में भूतपूर्व वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन का रोल निभाया है। यह कहानी मूल रूप से ग्रेजुएट नाम्बी नारायणन की कहानी से स्टार्ट होती है, जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से डिग्री करके आए होते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट के रूप में उनकी एक यात्रा शुरू होती है एरोस्पेस इंजीनियर के तौर पर इसरो में। उनके बाद उन पर जासूसी के झूठे आरोप लगाए जाने की पूरी अंतिम कहानी है ये। प्रोड्यूसर में आर माधवन के अलावा तीन नाम और हैं, सरिता माधवन, वर्गीस मूलन और विजय मूलन। नायिका के रूप में सिमरन है। सिनेमाटोग्राफी करी है शीर्षा रे ने, एडिटिंग की है अभिजीत बालाजी ने, संगीत है सैम सीएस का। दोस्तों, प्रोडक्शन कंपनी का नाम है ट्राई कलर फिल्म्स और वर्गीस मूलन पिक्चर्स और 27 इंटरटेनमेंट। हर कंपनियों ने डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा अपने सर पे लिया, जिनका नाम है यूएफए मूवीज, रेड जाइंट मूवीज, यशराज फिल्म्स और फार्स फिल्म कंपनी। कई भाषाओं में रिलीज होने वाले इस फिल्म की कुल अवधि 157 मिनट है। दोस्तों, लगभग 4 साल पहले 2018 अक्टूबर में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। इसकी प्रिंट और फोटोग्राफी जो शुरू हुई थी भारत में, जॉर्जिया में, रशिया, सर्बिया और फ्रांस में। दोस्तों, इस फिल्म को तीनों भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी, तमिल में एक साथ शूट किया गया था, बाकी कन्नड़, मलयालम और तेलुगु में इसको डब करके पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा। आर माधवन इसमें मुख्य वैज्ञानिक का रोल निभा रहे हैं, नाम्बी नारायणन का, और उनकी पत्नी के रूप में सिमरन है। मीना नारायणन का रोल निभाया उन्होंने। उसके अलावा इसमें रजित कपूर है, विक्रम साराभाई वैज्ञानिक का रोल निभाया है इंग्लिश और हिंदी वर्जन में खाली, कि विक्रम साराभाई वैज्ञानिक का रोल तमिल वर्जन में निभाया है रवि राघवेंद्रन ने। दोस्तों, अन्य कलाकारों की इसमें इतनी भरमार है, जिनके नाम मैं बताता हूँ आपको, मिश्रा घोषाल, मुरलीधरन, श्याम रंगनाथन, कार्तिक कुमार, गुलशन ग्रोवर, दिनेश प्रभाकर, मोहन रमन, रॉन रोसोची, फिलिप्स लोगन, विंसेंट रियोटा, श्रीराम पार्थस्वाथी, विजय थंगलम, जगन, राजीव रविचंद्रन, सैम मोहन, भवेश तील, शाहरुख खान का कैमियो है हिंदी और इंग्लिश वर्जन में, खुद शाहरुख खान ही बने हैं फिल्म में वह, और उसी तरह से तमिल वर्जन में इनके रोल को सूर्या ने निभाया है एक जैसा तिरंगे तौर पर। दोस्तों, इस फिल्म को मीडिया में सबसे पहले अनाउंस किया था अनंत महादेव देवन जी ने एक मलयालम फिल्म बनाने के लिए सितंबर 2012 में, की एक जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। का आइडिया उन्हें एक पत्रकार सी पी सुंदरम जी ने दिया था जून 2012 में। दोनों ने मुलाकात की थी नाम्बी नारायणन जी से और उन्होंने हामी भर दी थी इस प्रोजेक्ट के लिए एक कंसल्टेंट के तौर पर। इस फिल्म के लिए मलयालम के सुपरस्टार मोहनलाल जी को कास्ट कर लिया गया था और ये उस वक्त हिंदी में और मलयालम में बनने को तैयार थी। इसके लिए साउंड डिजाइनर, एडिटर और म्यूजिक कंपोजर को साइन कर लिया गया था। अनंत महादेवन और जर्नलिस्ट सुंदरम जी ने कई प्रोडक्शन हाउस से बात करी मगर किसी ने इस फिल्म में रुचि नहीं दिखाई प्रोजेक्ट में। कई वर्षों बाद आर माधवन जी को अनंत महादेवन ने स्टोरी सुनाई तो उन्होंने इस फिल्म को आगे ले जाने का निश्चय किया। इस फिल्म का टाइटल जब पहले बनाने का निश्चय किया गया था मोहनलाल जी के साथ, तब नाम रखा गया था विच हंट, द विच हंट। आर माधवन जी ने इस फिल्म को रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट नाम से अप्रैल 2017 में अनाउंस किया और उन्होंने बताया कि इस फिल्म में मुख्य नायक की नाम्बी नारायणन जी की भूमिका निभाएंगे और फिल्म का जो टैग लाइन थी वो थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ एन अनसंग हीरो हु वाज नाइदर एन एक्टर नॉर ए स्पोर्ट्समैन। आर माधवन जी ने इसको अपनी जिंदगी का बिगेस्ट फिल्म एवर बताया था। आगे उन्होंने ये भी बताया कि 2 साल तक वे चुपचाप इस स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे क्योंकि नाम्बी नारायणन जी को झूठे जासूसी के आरोप की कहानी उन्होंने सुनी हुई थी
और उसके बाद से उनका इंटरेस्ट जग गया था इस प्रोजेक्ट में। और फिल्म के प्रोजेक्ट में विश्वसनीयता और सत्यता का समावेश करने के लिए वे लगातार भूतपूर्व वैज्ञानिक नामी नारायणन जी से मुलाकात करते रहे ताकि उन्हें उनकी मंजूरी मिल जाए और प्रोजेक्ट जो है सत्यता से भरा हुआ हो। पिछली स्क्रिप्ट में चेंज करते हुए बदलाव करते हुए आर माधवन जी ने इसमें पूरा कैरियर नामी नारायण जी का उनसे डिस्कस किया, उनके तजुर्बे एज ए साइंटिस्ट और साइंटिस्ट बनने से पहले की पढ़ाई को भी इसमें कवर किया, जबकि इससे पहले की स्क्रिप्ट में खाली कोर्ट केस का ही जिक्र था जो नामी नाम्यार पे जासूसी का झूठा आरोप लगाया गया था जिससे वो बाद में बरी हुए थे, जो कि उनकी गिरफ्तारी 1994 में हुई थी। पहली स्क्रिप्ट उसी पे केंद्रित थी खाली, लेकिन आर माधवन जी ने इनका पूरा करियर एज ए साइंटिस्ट दिखाया इस फिल्म में स्क्रिप्ट में बदलाव करने के बाद। इसमें उन्होंने मदद ली नामी नारायण जी की खुद की लिखी ऑटोबायोग्राफी से जो 2017 में लिखी गई थी, जिसका नाम था ओरमा कार्डुले ब्रह्मा नापाधाम, और एक पुस्तक और थी जो अरुण राम की ऑफिशियल बायोग्राफी थी साइंटिस्ट के बारे में, जिसका टाइटल था रेडियो टू फायर हाउ इंडिया एंड आई सर्वाइव द इसरो स्पाई केस, 2018 में लिखी गई थी ये किताब। आखिरकार सारा कुछ करने के बाद अक्टूबर 2017 में आर माधवन ने बताया कि वह इसका मुख्य रोल पोर्ट्रे करेंगे, साइंटिस्ट भूतपूर्व जो है इसरो के नामी नारायणन जी का। इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन काम शुरू हो गया में आर माधवन जी 27 उम्र के नामी नारायणन से लेकर 75 साल की उनकी उम्र तक का रोल निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह वृद्ध नामी नारायणन जी के रोल के लिए अपना वेट बढ़ा रहे हैं। आमिर खान जैसे महान निर्माता निर्देशक और अभिनेता से परामर्श लेने के बाद आर माधवन जी ने बताया कि वह इसका स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, डायरेक्शन कर रहे हैं और इसमें अभिनय भी कर रहे हैं, इसके अलावा वह इसके प्रोड्यूसर भी हैं, वन ऑफ द प्रोड्यूसर। बल्कि उन्होंने यहाँ तक बढ़कर बयान दिया कि वह इस फिल्म को एक बायोपिक बोलने की बजाय बोलेंगे मूवी इज एन इंसाइसिव इन्वेस्टिगेशन इन टू ए ब्रिलियंट माइंड एंड इंडियाज एम्बिशियस स्पेस टेक्नोलॉजी। बाकी अन्य प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने बताया कि आर माधवन केवल अकेले भारतीय कलाकार हैं जो इस रोल को निभाने के लिए योग्य हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो है एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का है, उसके अलावा उनके पास एयरफोर्स की ट्रेनिंग भी है हकीकत में। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि आर माधवन एक वेल थिंकिंग एक्टर हैं और वो काफ़ी पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू हुई थी 4 जनवरी 2019 को इस फिल्म की, मुंबई से शुरुआत हुई थी। आर माधवन शुरू में इस फिल्म के को डायरेक्टर थे और बाद में उन्होंने अपनी व्यस्तता के कारण एक बार इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। कुछ सालों बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फिर ज्वाइन किया, लेकिन इस बार उन्होंने मुख्य रूप से अपने आप को स्वतंत्र निर्देशक घोषित कर दिया। इससे पहले साथ को डायरेक्टर थे लेखक प्रजेश सेन, जिन्होंने पहले को रिटर्न की थी, जिन्होंने लिखी थी ओम कालेडू ब्रह्मा नापाधाम, और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, टाइटल था जिसका नाम भी द साइंटिस्ट। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एज ए को डायरेक्टर ज्वाइन किया था। इस फिल्म में सुखमणि सदाना जी ने भी एक एडिशनल स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर का काम किया है। सबसे पहले आर माधवन जी ने इसमें वृद्ध नामी नारायण जी के रोल को निभाया था, उनकी शूटिंग की गई थी और उसमें उनको कम से कम 14 घंटे लगते थे मेकअप करने के लिए। इस समय सिमरन जी को मुख्य नायिका के तौर पे नामी नारायण जी की पत्नी के रूप में साइन किया गया। उसके बाद शाहरुख खान और सूर्या को अपने अपने कैमियो रोल के लिए इस फिल्म के लिए अनुमंदित किया गया। उसके बाद अनुमंदित किया गया तमिल एक्टर जगन को एक साइंटिस्ट का रोल निभाने के लिए, फिर रजित कपूर जी को इंडियन फिजिसिस्ट विक्रम साराभाई का रोल निभाने के लिए हिंदी और इंग्लिश के लिए अनुबंधित किया गया, और उसी रोल के लिए रवि राघवेंद्रा जी को विक्रम साराभाई जी का रोल निभाने के लिए तमिल वर्जन के लिए अनुबंधित किया गया। उसके बाद विदेशों में इस फिल्म की शूटिंग की गई, फ्रांस सर्बिया रशिया आदि में, और अगस्त 2020 तक इस फिल्म का तकरीबन सारा शूटिंग शेड्यूल खत्म हो गया था। जहाँ तक गीत संगीत की बात है, कई गाने अमेरिकन संगीतकारों ने इसमें कंपोज किए हैं, बाकी हिंदी वर्जन में पूरे 9 गाने हैं, तमिल वर्जन में भी 9 गाने हैं और इंग्लिश वर्जन में इसमें हैं गाने वो भी 9 ही हैं। गानों की कुल लंबाई 27 मिनट 31 सेकंड है। दोस्तों इस फिल्म के प्रोडक्शन पर काम शुरू होते ही ट्राइकलर फिल्म ने इसका 1 मिनट का टीजर और इसका शीर्षक रॉकेटरी द नामी इफेक्ट अनाउंस किया था। दिन था 31 अक्टूबर 2018 का और उसके बाद ही इन्होंने इसकी एक लॉन्च इवेंट रखी थी जिसमें भूतपूर्व साइंटिस्ट नामी नारायण जी भी आए थे। इसका एक थिएटिकल ट्रेलर 6 लैंग्वेज में 1 अप्रैल 2021 को अपनी YouTube साइट पर ट्राइकलर फिल्म ने रिलीज किया था। यह दिन था 1 अप्रैल और इसको अप्रैल फूल्स डे भी कहते हैं, जिसके लिए आर माधवन जी ने एक्सप्रेशन भी दिया था। आर माधवन जी ने बताया था कि उन्होंने साइंटिस्ट से बात करी थी नामी नारायण जी से, जिन्होंने कहा था कि वह हिमसेल्फ ही इज बिहेविंग और ट्रीटिंग हिमसेल्फ एज ए फूल हु हैड बीन द विक्टिम ऑफ हिज
ऑन पेट्रोलियम। सर माधवन जी ने फिर एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था ही इज डेडिकेटिंग द ट्रेलर टू दीज फूल्स हु आर इनक्रेडिबल अनसंग हीरोज एंड मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस। इस ट्रेलर को क्रिटिक्स की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। द इंडियन एक्सप्रेस और द न्यूज मिनट्स के क्रिटिक्स ने इसको एक रिवेटिंग ट्रेलर बताया। फिल्म के कर्ता धर्ता आर माधवन जी और नम्बी नारायण जी ने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उनको फिल्म के कुछ सीन दिखाए, क्लिप्स दिखाई। इस पर मोदी जी ने ट्वीट किया था, द फिल्म कवर्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक विच मोर पीपल मस्ट नो अबाउट, और उन्होंने फिल्म की जो क्लिप उन्हें दिखाई गई थी उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की। इसके अलावा फिल्म जगत की मशहूर हस्तियां अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, सूर्या, कंगना रनौत, ऋतिक रोशन और समंता रुथ प्रभु ने भी इसको शेयर किया और इसकी तारीफ की ट्रेलर की। इस फिल्म का प्रीमियर हुआ था 19 मार्च 2022 को कैंस फिल्म फेस्टिवल में, जो कि फ्रांस में आयोजित हुआ था। आर माधवन जी और नम्बी नारायण जी भी वहां गए थे। इसके अलावा कुछ मशहूर फिल्मी हस्तियां भी वहां पहुंची थी। इस स्क्रीनिंग को अनुराग ठाकुर जी ने भी अटेंड किया था, जो कि इंडिया के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और मशहूर संगीतकार ए आर रहमान जी ने भी इसको अटेंड किया। इस फिल्म को अभूतपूर्व सराहना मिली, 10 मिनट तक खड़े होकर लोग स्टैंडिंग ओवेशन देते रहे भीड़ में से, ऑडियंस में से। कैंस फिल्म फेस्टिवल में मिली सफलता को देखते हुए 12 दिन के टूर पर पूरी प्रोडक्शन टीम यूनाइटेड स्टेट की लोकेशन पर निकल गई जगह जगह स्क्रीन कराने के लिए। उनमें से जगह प्रमुख थी न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस, बोस्टन, डलास, एरिजोना, सैन फ्रांसिस्को और सीटल, जून 2022 के शुरुआती दिनों। इसके अलावा प्रमोशनल टूर पर इनका एक ट्रेलर फिल्म का रिलीज किया गया न्यूयॉर्क के नाजदाग बिलबोर्ड में टाइम स्केयर पर, जहां उन्होंने भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट, जो कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, सुनीता विलियम्स से भी मुलाकात की। जून 2022 में टीम भारत वापस आई और प्रमोशनल इवेंट चालू कर दी। इन्होंने तिरुपति के मंदिर में जाकर इस फिल्म का एक भक्ति सॉन्ग भी रिलीज किया। भक्ति ट्रैक का शीर्षक था श्री वेंकटेशा सुप्रभातम। इसके अलावा फिल्म का प्रलोग भी रिलीज किया गया और प्रमोशनल के अंतर्गत फिल्म के म्यूजिक को बनाने का वीडियो भी जारी किया। तिरुपति के मशहूर मंदिर श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल में इसको रिलीज किया गया भक्ति संगीत को। आर टीम ने न्यू दिल्ली, चेन्नई और कोची में भी इसका प्रमोशन किया। उन्होंने प्रेस से बात की और इसके प्रमोशनल इवेंट को लीड किया। उसके बाद यह चली गई टीम दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात और वहाँ की प्रेस से भी वार्तालाप की अपनी प्रमोशनल इवेंट के दौरान सिटी सेंटर देहरा में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जब यह घोषणा की कि थिएटर द्वारा ओपन हो जाएंगे, तो यह फिल्म 1 अप्रैल 2022 को 6 भाषाओं में रिलीज होनी थी। आर माधवन जी के मुताबिक COVID-19 के बाद थिएटर खुलने की घोषणा के बाद इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में तो फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया 1 जुलाई 2022। इस फिल्म के डिजिटल राइट अमेजन प्राइम वीडियो ने खरीदे हैं। पूरी नॉर्थ इंडिया में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने का जिम्मा लिया है यश राज फिल्म्स, पार्स फिल्म कंपनी और UFO मूवीज ने। इसको तमिलनाडु में तमिल भाषा में डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट लिया है उदय निधि स्टालिन की कंपनी रेड जाइंट मूवीज ने और AGS सिनेमाज ने ऑफिशियल मल्टीप्लेक्स पार्टनर के रूप में इसमें हिस्सा लिया। दोस्तों वेबसाइट्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ बताया जा रहा है, जो मेरे अनुमान से ज़्यादा है। फिल्म को देखते हुए ठीक है, गुणवत्ता को देखते हुए इतना बजट लग जाता है, क्योंकि देश विदेश में शूटिंग हुई है, काफ़ी रिसर्च की गई है, किंतु बजट कवर कर पाएगी मुझे संदेह है। जो मसाला वर्ग है हिंदुस्तान का, उन्हें इस तरह की फिल्में पसंद नहीं आती। बाकी आपकी क्या राय है ट्रेलर देखी तो कृपया कमेंट करके अवगत कराएं, और इस तरह के चटपटे अंदाज में गागर में सागर टाइप में इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए फिल्मों से संबंधित, सोशल टिप्स से संबंधित, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को स्प्रेड करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।